तो दोस्तों फाइनली गणपत का टीजर आ चुका है और सच बोलूँ तो हर किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गणपत में इतना बड़ा बवाल होने वाला है। नहीं, मुझे तो पता था कि गणपत एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म है और इसकी कंसेप्ट क्या होगी, पर शायद कुछ बातें ऐसी है जो आपको नहीं पता है, जैसे कि गणपत की स्टोरी लाइन क्या है और टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर कैसा होगा और बच्चन सर का रोल कितना खतरनाक होगा और गणपत मूवी में फ्यूचर क्यों दिखाया गया है। और दोस्तों ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे, जिसके साथ हम इस टीजर का ब्रेक डाउन भी करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस टीजर का ब्रेकडाउन करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें टाइगर पद्मासन में दिखता है, फिर साइड में टाइमलाइन शो होती है जो 2070 की टाइमलाइन होती है। पर दोस्तों इसमें सिर्फ यही टाइमलाइन क्यों, ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो हाँ, 2070 एडी मतलब गणपत मूवी को 2070 के टाइमलाइन में सेट किया है। फिर आगे हमें फ्यूचर वाली दुनिया नजर आती है और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं जो 2070 की टाइमलाइन में होंगे, यानी कि एक बात तो पक्की है, गणपत मूवी एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म है। फिर आगे एक ऐसी दुनिया दिखती है जो काफी बड़ी प्रॉब्लम में है, मतलब आप टीजर में देख सकते हो लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है और खाने के लिए भी तरसाया जा रहा है। और दोस्तों ये सब 2070 में हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक लाइन लिखी होती है, वर्ल्ड विदाउट होप, यानी कि एक ऐसी दुनिया जो काफी बड़ी मुसीबत में है और वैसे ही जी रही होती है बिना कोई होप के, यानी कि उन्होंने मान लिया है कि उनकी लाइफ ऐसी ही कटने वाली है और हमें बचाने कोई नहीं आएगा। फिर तभी बच्चन सर एक डायलॉग बोलते है, ये लड़ाई तब तक मत लड़ना जब तक तुम्हारा मसीहा ना आ जाए, यानी कि टाइगर श्रॉफ इन सबका मसीहा है और शायद बच्चन सर 2070 की टाइमलाइन में ही होंगे इसलिए तो ऐसा डायलॉग बोला है। जैसे कि मैंने आपको अपने गणपत की पिछली वीडियो में बताया था कि गणपत में टाइम ट्रैवल दिखाया जाएगा, यानी कि फ्यूचर के साथ गणपत मूवी टाइम ट्रैवल का मजा भी देने वाले है। पर दोस्तों इसमें टाइम ट्रैवल की क्या जरूरत है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल IMDb पे पहले इसका एक स्टोरी प्लॉट था जिसमें साफ साफ लिखा था कि गणपत एक मिशन पे निकलता है। दरअसल गणपत एक टाइम मशीन की मदद से टाइम ट्रैवल करके 2070 एडी के टाइमलाइन में जाता है, क्योंकि इस टाइमलाइन में किसी शहर में एक शक्तिशाली मॉन्स्टर ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है और सबको टॉर्चर कर रहा है और हर कोई उससे डरता है, इसलिए उसे मारने के लिए गणपत टाइम ट्रैवल करता है। यानी कि दोस्तों IMDb का स्टोरी प्लॉट बिल्कुल सही था और इस टीजर में भी हमें यही सब दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर इन शॉर्ट बोलूं तो मुझे इसका स्टोरी प्लॉट काफी यूनिक और इंटरेस्टिंग दिखाई देता है क्योंकि बॉलीवुड में ऐसी फिल्म पहले कभी बनी ही नहीं। और दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, दरअसल गणपत मूवी को पहले दो पार्ट में बनाने वाले थे पर पता नहीं मेकर्स ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया है और गणपत को सिर्फ एक पार्ट में ही बनाने का फैसला किया है। इसलिए तो गणपत के पोस्टर में गणपत के नाम के नीचे अ हीरो बॉर्न लिखा है। अगर ये गणपत का पहला पार्ट होता तो कम से कम पार्ट वन तो इसके नीचे जरूर लिखा होता, यानी कि गणपत मूवी को सिर्फ सिंगल पार्ट में ही तैयार किया गया है। तो दोस्तों जैसे कि हम सबको पता चल चुका है कि गणपत एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म है और जैसे कि हमने इस टीजर अनाउंसमेंट वाले वीडियो में देखा था कि टाइगर के पीछे एक शहर था जो फ्यूचरिस्टिक सिटी में कन्वर्ट हो रहा था, जिसमें आप ये VFX देख सकते हो, भाई काफी कूल लग रहे हैं। यानी कि गणपत में हम सबको काफी स्टनिंग CGI और VFX देखने मिलने वाले हैं। और दोस्तों इसलिए तो इसका बजट 200 करोड़ है। जी हां दोस्तों, टाइगर श्रॉफ की ये सबसे महंगी वाली फिल्म है, इसलिए तो इसकी इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है। तो आगे इस टीजर में हमें कृति सैनन भी दिखाई देती है जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट दिखाई दे रही है क्योंकि उसका फाइट करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। और पीछे अगर बैकग्राउंड में देखोगे तो आपको चाइनीज में लिखा हुआ दिखाई देता है, पर मैं आपको बता दूं कि गणपत में कृति सैनन का कैरेक्टर एक पंजाबी कैरेक्टर होने वाला है क्योंकि उसका नाम जस्सी होने वाला है, तो हो सकता है कि कृति सैनन यहाँ पर किसी का बदला लेने आए होगी। फिर आगे इस टीजर में हमें बच्चन सर भी दिखाई देते हैं और दोस्तों इसे देखने के बाद मुझे कल्कि के अश्वत्थामा की याद आ गई, मतलब इन दोनों को कॉस्ट्यूम तो बिल्कुल सेम है ना। वेल, इस टीजर से हमें ये तो पता चल चुका है कि बच्चन सर का कैरेक्टर एक लीडर का होने वाला है जो 2070 के टाइमलाइन में होंगे और इस शहर में फंसे लोगों को उस मॉन्स्टर से बचने के लिए ट्रेन करेंगे। और बाकी इस टीजर में बोले गए डायलॉग से पता चलता है कि गणपत में थोड़े घिसे पिटे डायलॉग हो सकते हैं, मतलब मूवी में डायलॉग इतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगे और गाने तो वही रेगुलर बॉलीवुड के ही दिखाई देते हैं और वही टिपिकल रोमांस भी देखने को मिलेगा। और टाइगर श्रॉफ की एक चीज है जो सबको आते नहीं और टाइगर श्रॉफ की जाते नहीं, भाई टाइगर श्रॉफ का वही छलांग लगाना और उड़ उड़ के फाइट करना, चाहे कितनी भी यूनिक कंसेप्ट हो पर टाइगर श्रॉफ का ये वाला अंदाज जरूर देखने को मिलता है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।